हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। उसी तरह हमारे सफ़र की शुरुआत भी बारिश की बूंदों से हुई थी। बोलना ज़रूरी नहीं था, पर अच्छा लगा इसलिए बोल दिया। ढाबे का नाम क्या है? गुरु नानक ढाबा। और अभी हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे? सरलपारा। और राइट को देखो और एंजॉय करो, आ जाओ। चश्मा पहन कर पूरा। और तू क्या है? और तेरा भी तो देखना। क्या देखिए, ये मेरा तो कैमरा मैन है, ये भी मतलब छोटा भाई है, बहुत अच्छा है। तो कैसे लग रहा है आके? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगा यहाँ जा रहे हो आप? ऑडियंस देख तो रहा है। हाँ, ये बात तो सही कहा, ऑडियंस देख रहा है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो PSR 150 यहाँ पे, Duke 250 है, Apache RTR 160, Classic 350। और आज हमारे साथ एक बैकअप व्हीकल भी है, Alto। और इतने सारे हम लोग आज जा रहे हैं। सो अभी हम लोग कुछ खाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों का निकलते निकलते बहुत ही देर हो चुका है, अभी लगभग 1 बज चुके हैं। पता नहीं अभी हम लोग कहाँ पे, जंगलों के बीच से जा रहे हैं। और आप आगे व्यू देख सकते हैं कितना मज़ेदार हो रखा है। और अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं, मतलब नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगा। सो देखते हैं कहाँ तक, कितना जल्दी पहुँच पाते। सो आप लोग को जाके जगह दिखाते। सो फाइनली गाइस, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग सरलपारा के रिवर बैंक साइड में पहुंच चुके हैं। और देखते हैं, सबसे पहले तो अभी हम लोग को गाड़ी पार्क करने का जगह देखना पड़ेगा। और क्योंकि गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि बहुत ही क्राउडेड एरिया है। सो जब तक हम लोग गाड़ी को पार्क करते हैं, तब तक आप कुछ सिनेमेटिक्स देख लो जगह के, देख लो जल्दी से। तो गाइस, आप व्यू देख सकते हैं कितना मज़ेदार हो रखा है। इस साइड यहाँ पे एक नदी है, मतलब छोटा सा स्ट्रीम जैसा है, पर इसका बहाव बहुत तेज है। जैसे कि देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कितना बहाव कितना तेज है। और जैसे देख सकते हैं वो जो साइड आपको दिख रहा है, वो मतलब भूटान साइड है। और वहाँ पे लोग कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो मेरी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, जैसे देख सकते हैं आप। और क्लाउड फॉर्मेशन देख लीजिए कितना मस्त हो रहा है। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं सारा हम लोग का नहाना हो गया, कपड़ा सपड़ा चेंज कर लिया। अभी देखते हैं हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हैं, और जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे जरूर। और जाते समय राइड को भी एंजॉय करेंगे। ये हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर राइडर, हमारे भैया, बड़े भैया। बड़े भैया मतलब जो भी है, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और बेल आइकन दबाइए। एकदम मैं जो बात नहीं करता मेरे भैया ने बोल दिया। चलो फ्लाइट दिखाते हैं।